हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। चलिए एक नए फंक्शनल ग्रुप एस्टर का नॉमिनेचर करना सीखते हैं। ये थोड़ा सा स्पेशल है, बाकी रूल सब कुछ सेम है। जितना आज तक मैंने आपको पढ़ाए रूल सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट आप एक बार समझ गए तो आपकी लाइफ एकदम आसान होगी, एस्टर आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। टॉपिक है आज का बेटा नॉमिनेचर ऑफ एस्टर। देखिए बेटा, हर एक फंक्शनल ग्रुप को मैं इतने प्यारे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मुझे क्या कहना, डिसअपॉइंट नहीं करना है। आप लोगों को सारे फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छे प्यारे तरीके से पढ़ने। ठीक, नॉमिनेचर हम एस्टर कर रहे हैं। अब एस्टर होता क्या बेटा, एस्टर में आइडेंटिफाई करना हम तो जानते ही, वैसे तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, इसको मैं आर डैश लिख देता हूँ, इसको आर डबल डैश लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है। एस्टर होता है जिसमें क्या होता है, इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ ए ग्रुप होता है। ये बनता कैसे है आपको पता है, ये एसिड और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बनता है। नहीं पता कोई बात नहीं, जब हम रिएक्शन क्लास में पढ़ी थी सारी चीजें तो पढ़ने वाले ही हैं। बट नॉर्मली 10th क्लास में हमको पढ़ाया जाता है कि एसिड और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमको एस्टर बनते हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं नॉमिनेचर में क्या बेटा, बहुत सिंपल सी एक छोटा सा रूल याद रखना कि नॉमिनेचर में पहले इस पार्ट का नाम होता है, पहले इस पार्ट का नॉमिनेचर होता है, पहले इस पार्ट का नाम हम लिखते हैं जो पार्ट ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होता है। ठीक, याद रखना, इसको मैं पार्ट वन बोल देता हूँ। तो मैं क्या नाम दे देता हूँ, पार्ट वन, सिंपल। तो जो ये कार्बन चेन जो भी होगी यहाँ पे कार्बन चेन, एग्जाम्पल देखिए आप समझ जाओगे बहुत आसान है, जो भी कार्बन चेन ऑक्सीजन से अटैच होती है पहले इसका नॉमिनेचर होता है। उसका नॉमिनेचर होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद सिंपली आपको ये जो है ये वाला पार्ट आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, इसका नॉमिनेचर करना होता है। तो इसको हम नाम देता हूँ, इसको देता हूँ पार्ट टू। ठीक है, तो पहले हमेशा किसका पार्ट नॉमिनेचर होता है, पहले हमेशा इस पार्ट वन का नॉमिनेचर किया जाता है, उसके बाद इस पार्ट टू का नॉमिनेचर किया जाता है और बाकी तो सारी चीजें आपकी लाइफ आसान होती है। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे आप देखो सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, मतलब यहाँ पे कार्बन चेन ही होगी। तो अगर हमारा ये वाला जो पैर जो फंक्शन हुआ जो कार्बन है, जो कार्बोनल कार्बन, अगर ये कार्बन हमारे मेन चेन का पार्ट है तो सफिक्स सेकेंडरी हम कुछ और इस्तेमाल करेंगे, वही रूल सब लोग पढ़ते हैं जो। तो अगर कार्बन चेन का पार्ट नहीं बन पा रहा तो सफिक्स सेकेंडरी कुछ और इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल चीज है, हम लोग लिखते हैं पहले, आपको पहले रूल लिख दीजिए कि नॉमिनेचर ऑफ पार्ट वन इज डन फर्स्ट, After that, nomenclature of part टू is done. ठीक बेटा, बहुत सिंपल है, ये तो बोलने वाली बात नहीं थी, बट स्टिल बता दिया कि पहले जिस अल्काइल चेन का नाम होता है उसके बाद इस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम होता है। ठीक, अब कैसे, अब पहले मैं आपको सफिक्स सेकेंडरी क्या क्या हम यूज करते हैं एस्टर के केस में वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल चीज है। ठीक, देखिए सफिक्स सेकेंडरी जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो सफिक्स सेकेंडरी है हमारे पास वो है एक ओएट, क्या बेटा, एक ओएट ओ ए टी ई ओएट, और एक है बेटा क्या, कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलेट। ठीक बेटा, अब ओएट कब इस्तेमाल करते हैं आपको बताइए, जब ये वाला कार्बन ए वाली चेन के अंदर, ये जो आर डैश यहाँ पे चेन होगी ना बनी हुई, ये वाला कार्बन हमारे मेन चेन के अंदर आता है तो हाँ हम यूज करेंगे ओएट। और जब ये वाला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है जब वो मेन चेन का पार्ट नहीं बन पाएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट एज अ सफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे। यहां पे लिख देते हैं व्हेन कार्बन ऑफ कौन सा बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये लिख देता हूं इज इंक्लूडेड, मतलब कौन सा कार्बन की बात करें, ये वाले कार्बन की। ठीक है बेटा, इज इंक्लूडेड इन आर पेरेंट, सिंपल। और ये वाला कब लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट कब लिखा जाता है, जब व्हेन कार्बन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप दैट फंक्शनल ग्रुप इज नॉट, इस नॉट को एक अलग कलर से लिखना, इज नॉट इंक्लूडेड इन आर पैरेंट चेन, सिंपल बेटा। ये दो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान देखें। ठीक, ये दो चीजें याद रखना, और एक सबसे पहली चीज याद रखना कि पहले इस वाले पार्ट का नाम लिखते हैं फिर इस वाले पार्ट का, जो नॉर्मल नेमिंग का रूल है उसके हिसाब से। ठीक, अब हम लोग लिख लेते हैं पहले कि भाई इसका एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। प्रीफिक्स अभी एसएस देखिए मत, ठीक, अब प्रीफिक्स मैं बाद में लिखूंगा आपको, अब पहले ये तो हो गया। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल सा, सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं लिखे चलता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3,
क्योंकि यहाँ पे ओसीएससी डायरेक्टली लिख दे या बॉन्ड दिखाए, आपको पता तो होना चाहिए ऑक्सीजन कार्बन के जो बॉन्ड हुए है ना बेटा। चलो इसका नाम लिखना, ये आप देख लो पहले आइडेंटिफाई कर लो, सी आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, मतलब इस तरीके का ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ एक है हमारे पास, ये हमारे एस्टर बता रहा है कि हाँ इसमें एस्टर है। अब नाम लिखना है, सबसे पहला उन्होंने क्या बताया कि सर जो ऑक्सीजन से अटैच वाला कार्बन चेन है उसका नाम पहले होगा, मतलब जो ऑक्सीजन से अटैच होता है उसका नॉमिनेचर पहले किया जाता है, फिर उसके बाद एक कार्बन कार्बन से जो अटैच है उसका नॉमिनेचर किया जाता है। ठीक, अब बहुत सिंपल सी चीज है। अब आप देखिए ऑक्सीजन से कितना कार्बन अटैच बेटा, एक कार्बन CH3, और CH3 को हम क्या लिखते हैं बेटा मिथाइल। आपको याद ही होगा कि इतने सारे ब्रांचेस होते हैं तो ये CH3 क्या बेटा, इसका नाम क्या बेटा मिथाइल। आपको याद नहीं होता, बहुत सिंपल चीज है, देखो बेटा बहुत सिंपल, यहाँ पे जितने कार्बन होंगे ना उसका वर्ड रूट ले लो, एक कार्बन वर्ड, एक रूट का वर्ड रूट क्या बेटा मिथ, और लास्ट में YL लगा दो बस, तो क्या बन गया बेटा मिथाइल बन गया सिंपल। तो पहले आप क्या लिखेंगे, इसकी पोजीशन वगैरह कुछ नहीं बतानी होगी, ठीक, इसकी पोजीशन वगैरह कुछ नहीं बतानी होगी आपको, डायरेक्टली बस इसका नाम लिखना होगा पहले। तो पहले पार्ट इसका नाम पहले नाम लिखा जाएगा, पहले हम लिखा लिखेंगे बेटा मिथाइल, सिंपल मिथाइल किस लिए लिखा मैंने, इस चीज के लिए लिखा। अब ये होने के बाद आपको सिंपली इसका नाम लिखना, अब इसका नाम आपको जो जो हमने आज तक रूल पढ़े हैं, जैसे आपने जितने भी रूल पढ़े हैं उसके हिसाब से, अब देखिए बेटा अब क्या करेंगे, ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है हम इसको मेन चेन में इंक्लूड करना चाहेंगे। मेन चेन देख सकते हो आप, यहां से स्टार्ट हो रही है तो यहां इसको नंबर वन देंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को नंबर वन देना होता है हमको, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबर वन देना होता है। तो ये कार्बन वन, और लॉन्गेस्ट चेन देखो बेटा, दो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है सिंपल, तो ये नंबरिंग तो हमको देनी है इस वजह, इस टाइप में जो यहाँ पे जो रूल है वो यहाँ पे एकदम रूल इस वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट का रूल एकदम सब कुछ सेम है, बस आपको एक चीज याद रखनी है एडिशनल, इस वाले पार्ट का नाम लिखने से पहले बस इसका हम लोग यहाँ पे एज अल्काइल लिख देते हैं, यहाँ पे एक कार्बन था तो मैंने मिथाइल लिख दिया सिंपल। अब कुछ नहीं करना, आप देखिए वही वापस स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है क्या, नहीं प्रीफिक्स तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, प्रीफिक्स दो कार्बन के वर्ड रूट क्या था बेटा इथ, तो हम लोग क्या लिखेंगे मिथाइल से डायरेक्टली चिपक के लिख देंगे इथ, ETH है ना बेटा। अब इथ के बाद क्या लिखूंगा मैं, अब इथ के बाद हम लोग को कुछ नहीं लिखना, अब हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, अब दो कार्बन के लिए था गया, अब दोनों कार्बन कैसा बेटा, हाँ वेरी गुड सिंगल बॉन्डेड है, तो देखो हमारे स्ट्रेट चेन सिंगल है तो सफिक्स प्राइम नहीं जाएगा सिंपल, ए नहीं आ जाएगा तो आएगा बेटा इथेन हो गया सिंपल। अब उसके बाद हमको क्या लिखना है, सफिक्स प्राइमरी के बाद सफिक्स सेकेंडरी लिखना है, तो सफिक्स सेकेंडरी दो है O8 और कार्बोक्सिलेट, कार्बन इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमारे मेन चेन का पार्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे बेटा O8, तो क्या लिखेंगे इथेन, अब फर्स्ट पोजिशन भी आ रहा है O8, तो क्या लिखूंगा 1 O 8 E, तो ये देखो ये हो गया, बट देखो इस ई के बाद मतलब ये सफिक्स प्राइमरी ए नहीं का, इस ई के बाद यहाँ पे ओ आ रहा है, तो इस ई को क्या करो स्ट्राइक आउट कर दो, स्ट्राइक आउट कर दिया, ये नाम होगा मिथाइल इथेन 1 O 8, ठीक है बेटा बहुत सिंपल नाम मिथाइल इथेन 1 O 8। और एक चीज याद रखनी है आपको, ये सब गैप वगैरह नहीं होना चाहिए, चिपक चिपक तो होना चाहिए, लेटर और नंबर के बीच में डैश, नंबर और लेटर के बीच में डैश, नंबर नंबर के बीच में कॉमा है ना, ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए आपको, बहुत सिंपल वापस रिपीट करता हूँ, पहले इस वाले पार्ट का नाम लिखेंगे हम एज अल्काइल, जो भी यहाँ पे कार्बन है उसको लिख देंगे, फिर इस वाले पार्ट का नाम लिखा जाता है, इस वाले पार्ट का नाम सिंपल है 1 2 3 नंबरिंग की तरह आपसे लिखते चलो। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन करते चलोगे तो आपको मजा आता चलेगा, ठीक है देखो CH3 CH CH3 सी डबल बॉन्ड O CH, देखिए इसका नाम लिखिए बहुत सिंपल नाम, एक बार कुछ ट्राई कीजिए आप, ट्राई करिए कुछ, देखिए जो ऑक्सीजन से कार्बन अटैच है उसका नाम लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन अटैच है उसको क्या बोलेंगे मिथाइल बोलते हैं CH3 को ना, वैसे भी आपको नहीं पता कैसे लिखते हैं, तो देखो बड़ा एक कार्बन, तो एक कार्बन के ऊपर रूट क्या था बड़ा मिथ है ना, अब उसके आगे बस वायल लगा दो तो ये बन गया बन मिथाइल सिंपल। अब दो कार्बन होता तो क्या लिखता हूँ इथ, दो कार्बन के वर्ड इथ लास्ट वायल इथाइल, तीन कार्बन होता तो प्रोप और लास्ट वर्ड वायल, ठीक है कभी और एग्जांपल करेंगे, ये हो गया। अब उसके बाद इसका नाम होगा पार्ट सेकंड का, देखो स्ट्रेट चेन कंपाउंड तो हम ट्राई करेंगे कि कार्बन इंक्लूड हो, तो 1 2 3 ये मेन चेन मैंने लिए सिंपल। अब हमको इसका पार्ट इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखने का हमको सिंपल रूल पता है स्ट्रेट चेन का, कैसा पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, प्रीफिक्स है क्या, हाँ है, सेकंड पोजीशन मिथाइल तो हम लिखेंगे डैश 2 मिथाइल सिंपल। मतलब आपको एक एडिशनल चीज याद रखनी है कि ऑक्सीजन से अटैच वाला अल्काइल ग्रुप पहले नाम लिखते हैं, बाकी सब कुछ सेम चलता है, ठीक। अब यहाँ पे डैश लिखोगे क्योंकि लेटर और नंबर के बीच में डैश आता है तो आपको पता ही है, फिर नंबर लेटर के बीच में वापस से डैश आता है, ये होगा 2 मिथाइल, फिर तीन कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या गया बेटा, वेरी गुड, तीन कार्बन के लिए वर्ड आएगा बेटा क्या प्रॉप, वही जो स्ट्रेट चेन वाला फॉर्मेट है उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो तीन कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रॉप आया, तीनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड तो क्या लिखूंगा ANE लिखूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपेन, ये ठीक है। फिर फर्स्ट पोजीशन पे देखो बेटा हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है अटैच है तो क्या लिखूंगा O8, क्यों, क्योंकि कार्बन और फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड इन मेन चेन, तो क्या लिखूंगा 1 और O8 है ना बेटा,
OATE. और आप एक चीज देखिए, इस ई के बाद वो आ रहा है तो इसी को यहां से हटा देंगे. सिंपल, प्रोपेन 108. तो मिथाइल टू मिथाइल प्रोपेन 108. बहुत सिंपल सा नाम, बस याद रखना कि पहले इस वाले पार्ट का नाम होता है जो ऑक्सीजन से अटैच होता है, फिर इस वाले पार्ट का नाम होता है. सिंपल. चलो और क्वेश्चन करते हैं. इसका नाम लिखिए, ये वाला क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस. चलो इस वाले का नाम आप लोगों ने लिख लिया होगा. देखो बेटा, पहले जो ऑक्सीजन से अटैच पार्ट है इसका नाम पहले लिखा जाएगा. देखो बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, आप देख सकते हो तीन कार्बन है और सेकंड डिग्री कार्बन से अटैच ऑक्सीजन, तो उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल. तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल लिखेंगे. तो आइसोप्रोपाइल है ना बेटा, तो आइसोप्रोपाइल लिख दिया इसका नाम, मतलब इसका नाम कंप्लीट हो गया. अब इसका नाम लिखना है स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ट्राई करेंगे कि कार्बन इंक्लूड हो. तो 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन की मेन चेन ले ली, ठीक, जिसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड हो गया. अच्छी बात है. तो क्या लिखेंगे इसका, पांच कार्बन के ऊपर क्या गया बेटा, प्रोप नहीं सॉरी पेंट आएगा. पांच कार्बन है ना, तीन कार्बन के लिए प्रोप आता है. प्रोप और पेंट में कंफ्यूज हो रहा था. पेंट फिर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो ANE, फिर फर्स्ट पोजिशन पे सफिक्स है, सेकेंडरी इसके लिए क्या यूज होता है बेटा, OATE, क्योंकि कार्बन इंक्लूडेड है इंजिन के अंदर. तो OATE. वो आप देखिए, इस ई के बाद वो आ रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे इस ई को यहाँ से हटा देंगे. इसका नाम होगा सिंपल. देखिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप. बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो भी बेटा, पॉज करके ट्राई कीजिए. देखिए इस मार में ये वापस पॉज कर ट्राई करना. देखो पहले आप इस पार्ट का नाम लिखोगे, 1, 2, 3 कार्बन अटैच है. तीन कार्बन के ऊपर रूट क्या था बेटा, सिंपल है, प्रोप लिख दो, उसके बाद YL लगा दो, बस ये नाम हो गया इसका प्रोपाइल. सिंपल. अब इस वाले पार्ट का नाम होगा तो देखो ओपन चेन ट्राई करेंगे, कार्बन इंक्लूड होगा ये फंक्शनल ग्रुप वाला. तो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 पांच कार्बन की मेन चेन ले सकता हूँ और दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं हमको मिथाइल. तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका नाम लिखना है. तो इसका नाम लिखने से पहले वही अपना वही नॉर्मल रूल है हमारा, पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है. अब प्रीफिक्स कौन कौन से क्वेश्चन, 2 और 3 पे मिथाइल है तो क्या लिखूंगा, 2, 3 डाई मिथाइल. ये हमारा प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया. पांच कार्बन के वर्ड उठाया बेटा पेंट, और साथ में लिखूंगा ANE, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, सफिक्स प्राइमरी आएगा बेटा ANE. सिंपल. अब क्या करेंगे, पेंटेन हो गया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे सिंपल. अब क्या करना है, पेंटेन लिखने के बाद अब फर्स्ट पोजिशन पे हमारा अटैच है बेटा क्या, एस्टर ग्रुप. तो 1, OATE. अब क्या करेंगे बेटा, इस ई को यहां से हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा है. सिंपल हो गया नाम इसका. ये क्वेश्चन कर लिए, ये वाला थोड़ा सा अब ये वाले मजा आएगा आपको. ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए. साइक्लिक वाला रूल याद रखना, बाकी तो आप कर ही लोगे, विश्वास है आपका. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखिए पहले नाम किसका होता है बेटा, पहले नाम होता है जो ऑक्सीजन से अटैच जो ग्रुप होता है उसका. अब इसका नाम वैसे क्या है, 6 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन. बट इसको क्या किस तरीके से लिखते हैं, इसको अल्काइल लिखते हैं, अल्केन लिखते हैं, इसको हम अल्काइल लिखते हैं. तो साइक्लोहेक्सेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम साइक्लोहेक्साइल लिखेंगे. यार आपको भी नहीं आता, बहुत सिंपल. देखो साइक्लिक सिस्टम में तो पहले वर्ड क्या आएगा बेटा, पहले वर्ड साइक्लो आएगा. 6 कार्बन है ना, तो नंबरिंग कर लो. देखो जो ऑक्सीजन से कार्बन अटैच वहां से नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो क्या जाएगा साइक्लोहेक्स, ठीक है बेटा. अब साइक्लोहेक्स एन नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल लिखेंगे. क्यों, क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ऑक्सीजन से अटैच एज अ सब्स्टिट्यूएंट. तो क्या हो गया बेटा, ये साइक्लोहेक्साइल हो गया बेटा, ठीक है. अब साइक्लोहेक्साइल के बाद अब आप देखिए इसका नाम लिखेंगे इस वाले पार्ट का. तो देखो ओपन चेन है तो 1, 2 कार्बन की मेन चेन ले ली, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आ जाए बेटा, इथ.
कोई प्रीफिक्स नहीं था, डायरेक्टली वर्ड रूट लिखेंगे, ठीक है। अब हो गया इथ, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, ए एनी, फिर वन पे क्या लगा देंगे, ओ ए टी ई, सिंपल, और इसी ए को हटा देंगे यहां से। तो इथेन 1-8, तो साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्साइल इथेन 1-8, सिंपल बेटा। अब एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपसे, क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सब कुछ सेम है, बस चेंज कर दिया मैंने, उलट पुलट कर दिया, नाम बदल जाएगा। ये बहुत सिंपल है, पहले बताइए ऑक्सीजन से अटैच वाले का नाम होता है, एक कार्बन वर्ड रूट क्या लिखूंगा बेटा, इथ, लास्ट में लगा दूंगा क्या, वायल, तो ये हो गया इथाइल, सिंपल। अब यहां देखिए बेटा, इसका नाम करना, अब आप देखिए इस वाले पार्ट में नंबरिंग 1-2 ऐसा कर सकते हो क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक सिस्टम से सी डबल बॉन्ड वो अटैच है, तो साइक्लिक सिस्टम से जब भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो नंबरिंग हमेशा साइक्लिक सिस्टम में, तो नंबरिंग कहां से हो सकती है, बस साइक्लिक कार्बन से। तो वो मुझे बताओ कि नंबरिंग कौन से वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग उस वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहां पे सी डबल बॉन्ड वो ग्रुप अटैच है, क्यों, ताकि जब इस कार्बन को नंबरिंग 1 दूंगा तब जाके इस फंक्शनल ग्रुप के नंबर क्या मिल जाएगा, अपने आप नंबर 1, और फंक्शनल ग्रुप का हम हमेशा क्या देते हैं बेटा, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक, नंबर 1 हो गया, फिर क्या कर देंगे 2, 3, 4, 5, 6, तो सिंपल, जिसका नाम हम उनको लिखना है। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, साइक्लिक सिस्टम में तो पहले वर्ड रूट क्या आता है, बड़ा वर्ड रूट आएगा साइक्लो, वर्ड रूट से पहले साइक्लो आएगा, प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं, कोई सब्सटिट्यूएंट अटैच नहीं, तो प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वर्ड साइक्लो लिखूंगा, साइक्लिक सिस्टम में पहले साइक्लो लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई साइक्लिक सिस्टम है, तो साइक्लो लिख दिया मैंने। अब 6 कार्बन आ रहे हैं रिंग के अंदर, तो वर्ड रूट आएगा 6 के लिए हेक्स, फिर क्या बेटा 6 कार्बन के लिए प्रीफिक्स ए नहीं आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो 6 के 6 कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, ए नहीं, फिर आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो 1। अब हम देखो बेटा ओएट नहीं लिख सकते, अब हम ओएट नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हमारा जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का वो मेन चेन का पार्ट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, ठीक, तो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट, सिंपल। इथाइल पहले इसका नाम लिखा, फिर इसका नाम लिखा, ठीक, तो इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, सिंपल, चलो करो एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये ट्राई करो। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बेटा, बस जितने बेसिक रूल हैं सब दिमाग में रख के रखिए, और रिवीजन करोगे तब सारे रूल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक। देखिए बेटा इसका नाम कैसे करेंगे, पहले ऑक्सीजन से अटैच वाले पार्ट का नाम होगा, मतलब पहले इसका पार्ट 1, 2, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या आएगा बेटा, प्रोप, और लास्ट में लगा दो वाई है, तो इसका नाम होगा सिंपली प्रोपाइल, प्रोपाइल हो गया बेटा। अब इसका नाम होगा, देखो अब वापस साइक्लिक सिस्टम में, तो नंबरिंग कहां से करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे नंबरिंग क्यों की, 1, 2, 3, 4, 5 के लिए क्या, ऐसी नंबरिंग इसलिए की ताकि अल्कीन को नंबर 2 मिल जाए, छोटा नंबर मिल जाए, सिंपल। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए अगर हम अल्कीन को छोटा नंबर दे सकते हैं तो क्यों ना दे, सिंपल। तो प्रोपाइल, फिर इसका वर्ड कैसे लिखेंगे हम, साइक्लो, फिर उसके बाद 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा बेटा हेक्स, है ना, ये तो हो गया वर्ड रूट तक। अब हमको लिखना सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स प्राइमरी हम एएनई नहीं ईएनई लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है हमारे मेन चेन के अंदर। अब वो सेकंड पोजीशन पे आया तो कैसे लिखूंगा बेटा, 2ENE। अब उसके बाद सफिक्स प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी लिखना है, तो आप देखो बेटा ये फर्स्ट पोजीशन पे हमारा फर्स्ट ग्रुप अटैच है बट कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट, तो 1 कार्बोक्सिलेट, सिंपल, जल्दी से लिखो नाम। एक और लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट दे रहा हूं मैं आपको, ये नाम लिखिए इसका, चलो नाम लिखो उसका बेटा, बहुत सिंपल है, नाम लिखना, बस थोड़ा सा एक छोटी चीज याद रखनी है आपको,
कि ऑक्सीजन वाले पार्ट का पहले नाम होगा, बट हमेशा याद रखना कि ये हमेशा अल्काइल जैसा साउंड होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए, अब इसका नाम कैसे लिखूं मैं, बहुत सिंपल है, नाम लिखना। देखिए पहले कैसे लिखोगे, जो ऑक्सीजन से कार्बन अटैच है उसको नंबर वन दो, फिर नंबरिंग कंप्लीट कर दो, चलो 1, 3, 4, 5, 6। आप 1, 2, 3 ऐसे लिख सकते थे नहीं, क्यों, ये कार्बन जो है अल्कीन वाला उसको नंबर वन मिल गया, जो कार्बन का दूसरा अल्कीन वाला कार्बन है उसको नंबर टू मिलेगा, तो आपको पता ही था। तो इसका नंबरिंग हो ये, अब पहले उसका नाम लिखो, थोड़ा साइक्लिक सिस्टम है तो पहले वर्ड क्या आएगा, पहले वर्ड आएगा क्या, साइक्लो वर्ड आएगा, सिंपल। फिर 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, हेक्स, ठीक। उसके बाद अब हेक्स के बाद ए नहीं लिखे, हेक्साइल नहीं लिख देंगे डायरेक्टली, क्यों, बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो फर्स्ट पे लगा हुआ है ENE, ठीक, पर हम लोग ENE नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इसको हमको अल्काइल लिखना है, तो इस ई को हटा के यहाँ पे लगा दो YL, तो हो गया क्या, साइक्लोहेक्स 1-enyl, ठीक, ये कंपाउंड का इसका नाम हो गया। फिर अब इसका नाम लिखना है, तो वो देखो इसका नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबरिंग, क्योंकि मैंने ऐसी नंबरिंग इसलिए की क्योंकि देखो पहला पोजीशन पे इसको हम प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको नंबर वन दिया, ताकि इस फंक्शनल ग्रुप को नंबर वन मिल जाए अपने आप। अब नंबर वन दिया तो कार्बन जो अल्कीन वाला कार्बन है उसको नंबर वन मिल गया, तो अब नंबर टू यही देना पड़ेगा मुझे, ठीक, क्योंकि हमेशा डबल बॉन्ड को पूरा कवर करते हुए नंबरिंग जाती है। अब तो इसका नाम लिखना हमको बहुत सिंपल है, देखो ये इसको वापस लिखता हूँ अच्छे से, साइक्लोहेक्स 1-enyl, वापस से जो बड़ा ये साइक्लिक सिस्टम है, वापस वर्ड साइक्लो आने वाला है, फिर वापस साइक्लो, 6 कार्बन वर्ड रूट हेक्स आएगा, फिर वापस से फर्स्ट पोजीशन पे ENE 1-enyl, अब के बाद इसको वायल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो नॉर्मल अल्केन है हमारा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे क्या बड़ा, कार्बोक्सिल, क्योंकि कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर मेन चेन, इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्स 1-enyl साइक्लोहेक्स 1-ene 1 कार्बोक्सिलेट, ठीक। बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट इजी था, चलो तो यहाँ हमने एस्टर कंप्लीट कर लिया। जितने भी ये ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके अंदर कुछ भी कार्बन होता है जो मेन चेन के अंदर आ सकता है उसको डॉन्स ग्रुप बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब बहुत सिंपल चीज है, डॉन्स ग्रुप वगैरह कुछ नहीं है, इसका नॉमिनेशन हमने देख लिया। इनमें क्या होता है कि इनमें मेनली दो टाइप के सफिक्स सेकेंडरी इस्तेमाल होते हैं, जब कार्बन इंक्लूड होता है तो कुछ और होता है, जब कार्बन नहीं इंक्लूड होता मेन चेन में तब उसका सफिक्स सेकेंडरी कुछ और इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक चार्ट बनाएंगे जिसके अंदर सारे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे, फिर उसके बाद और फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच, जगह में से कोई दिक्कत तो बड़ा बता रहा, ठीक, चलो बाय, ठीक है।